जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार चारों दशकों से था। ओआरओपी लागू होने के बाद अब तो पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। माननीय सदस्यगण, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की अमर पंक्तियां असीम राष्ट्र प्रेम की भावना का सदा संचार करती है। उन्होंने कहा था, मिशु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जानतु पिठी रे, देशर स्वराज पथे जेते गाड़ो, पुरु तोही गोड़ी मोर मांस हाड़ो। अर्थात मेरा शरीर इस देह की माटी के साथ मिल जाए, देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चल जाए, देश के स्वराज पथ में जितनी भी खाइयां है वे मेरी हाड़ मांस से फट जाए। इन पंक्तियों में हमें कर्तव्यों की पराकाष्ठा दिखती है, राष्ट्र सर्वोपरि का आदर्श दिखाई देता है। ये उपलब्धियां जो आज देख रही है वो बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। आप हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह है प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होते देखा। भारत का निर्यात करीब $450 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में FDI द्विगुना हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ITR फाइल करने वाले की संख्या करीब 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो चुकी है। अब बढ़ोतरी 2 गुना से भी कहीं अधिक है। 1 दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे, जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया। साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी, पिछले वर्ष ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके। दिसंबर 2017 में 98 लाख से लोग GST देते थे, आज इनकी संख्या 1,40,00,000 है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13,52,00,000 बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। 2014-15 में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। माननीय सदस्यगण,
बीते दशक में मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़ी आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड मिला है। देश को जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। मेरी सरकार ने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी सुनिश्चित की है। 10 वर्षों में कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही फिजिकल डेफिसिट भी नियंत्रण भी में है। आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 600 अरब डॉलर से ज्यादा है। हमारे बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराया था, वो आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है। बैंक का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था, वो आज लगभग 4% ही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले भारत खिलौना आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है। लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की है। स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने युवा स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करती है तथा भारत के प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर विश्वास करती है। भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची